मुंबई में ड्रग्स केस में भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर हमला बोलने वाले नवाब मलिक को ईडी के टीम ने बुधवार को यानी कि 23 फरवरी को अरेस्ट कर लिया। नवाब मलिक के ऊपर मुंबई अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े होने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के साथ लैंड डील्स में शामिल होने का आरोप है। पूछताछ के बाद ईडी के सूत्रों ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा है। आपको बताते चलें कि इस दरमियान ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारियां की थी और इसी केस में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को हिरासत में लिया था। आपको हम इकबाल कासकर के गिरफ्तारी वाला वीडियो बनाकर दिखा दिए हैं, आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आखिर क्या है मुंबई अंडरवर्ल्ड और नवाब मलिक का पूरा मामला, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई में जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग वाला मामला चल रहा था, तब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक का कनेक्शन मुंबई अंडरवर्ल्ड से है, तो उस बात को उस समय हर कोई मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इसी कनेक्शन के चलते नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि जमीन की खरीद के मामले में नवाब मलिक के खिलाफ जाँच के दौरान कुछ सबूत पाए गए हैं। इन सबूतों के आधार पर ही ईडी की टीम 23 फरवरी को सुबह 6 बजे ही महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के घर पर पहुंच गई थी। लगभग एक घंटे तक पूछताछ की गई और फिर उन्हें ईडी ऑफिस ले आया गया। उसके बाद लगभग 8 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। एक तरफ नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही थी तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी के वर्कर्स उस पार्टी मुख्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे थे। एनसीपी का ऑफिस ईडी के ऑफिस के पास में ही साउथ मुंबई में है। ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को ही स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने लगभग 5 घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद उन्हें जेल में अपनी दवाइयां रखने और घर का खाना मंगा कर खाने की इजाजत भी दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में नवाब मलिक अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे थे, इसी कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मलिक को गिरफ्तार कर ईडी की टीम अस्पताल ले गई जहां उनकी मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसके बाद अदालत में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया कि 3 फरवरी 2022 को दाऊद इब्राहिम कासकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वह विभिन्न आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। वह आतंकी गतिविधि के लिए धन जुटाकर संपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण में भी शामिल है। एएसजी अनिल सिंह ने आगे बताया कि दाऊद की बहन हसीना पारकर का निधन हो गया है। वह यहां दाऊद की गतिविधियों को नियंत्रित कर रही थी। उसने धन जुटाकर बहुत सारी संपत्ति अर्जित की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर एनसीपी वर्कर्स की भीड़ लगी रही। कोर्ट से बाहर निकलने पर गाड़ी में रवाना होते समय मलिक ने उन्हें हाथ हिलाकर सब कुछ ठीक होने का इशारा किया और वहां से ईडी अधिकारियों के साथ चले गए। नवाब मलिक के समर्थकों के भड़कने की आशंका को देखते हुए ईडी ऑफिस पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। नवाब मलिक को ईडी की कस्टडी में जेल भेजे जाने के फैसले के बाद भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसमें टेरर फंडिंग का एंगल साफ नजर आ रहा है। हजारों करोड़ की जमीन अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक ने खरीदी है, इसका कच्चा चिट्ठा आज सामने आया है। जिस महिला की जमीन गलत कागज रेडी करके हथिया ली गई, उस महिला ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा है कि उसे एक भी पैसे नहीं मिले हैं। बीते साल नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। नवाब मलिक के हमलों के जवाब में भाजपा का कहना था कि दामाद की गिरफ्तारी के चलते ही वह भड़के हुए हैं। एएसजी अनिल सिंह ने आगे कहा कि ईडी यह साबित करेगी कि उसने संपत्ति कैसे हासिल की। मुनीरा और मरियम इस संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं। एएसजी अनिल सिंह ने आगे कहा कि यह संपत्ति एक पुश्तैनी संपत्ति थी। माता पिता की मृत्यु के बाद मुनीरा और मरियम संपत्ति की एकमात्र मालिक थी। एएसजी अनिल सिंह के मुताबिक हसीना पारकर के सहयोगी सलीम पटेल को अतिक्रमण हटाने और जमीन न बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। इसमें 1993 धमाके का आरोपी सरदार खान भी शामिल था। इन जमीनों के खरीद बिक्री के पीछे भी एक पूरी कहानी है कि कौन किस से किस समय में और कितने में लिया है। यह कहानी हम आपको आगे की वीडियो में बताने वाले हैं।
साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि ईडी के साथ कोर्ट में नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने इस बारे में क्या कहा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई नवाब मलिक का मुंबई अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन सामने आता भी है या नहीं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी जल्दी ही इस बारे में खुलासा करेगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और इसी के साथ हमारे अगले वीडियो का इंतजार भी करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।